6th August 2016, UDMA, Unani Drug Manufacturing Association, organized an event at Hamdard to facilitate Dr. Mohammad Khalid on becoming the Licensing Authority of UNANI in Delhi. UDMA, UDMA, is a society formed by many UNANI drug manufacturers for the promotion and propagation of the UNANI industry in India. UDMA is a society which was formed in 2016. And the main objectives of the society, of forming the society, is to form an organization of national level consisting of UNANI and other allied herbal drugs manufacturers covered by AYUSH from all over India. I thank you all, or inshallah, UDMA has started, and we all will be one. कोई भी हमें प्रॉब्लम होगी एज पर अगर दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं तो फिर हम ज़रूर खालिद साहब को परेशान करेंगे और अब तक भी जो भी मशवरे हैं वो बिल्कुल खुले दिल से देते हैं कभी जैसे बताया था कि शेर तो मुझे खैर नहीं आता बट ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव और इंशाल्लाह बेनिफिट हमें मिलता रहेगा और कोशिश ये है कि भाई ऐसी हम छोटी छोटी गैदरिंग्स करते रहें ताकि जो कि नए रेगुलेशंस आ रहे हैं क्योंकि ये जो भी रेगुलेशन दिल्ली में आएगा वो आप हम समझते हैं कि ये ऑल इंडिया आएगा वो तो जो भी इनकी इसकी एक्सपर्टीज़ है वो हमें बताते रहेंगे और इनको हम परेशान करते रहेंगे बार बार थैंक यू वेरी मच बड़ी खुशी की बात है माशाल्लाह हजरात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे पास अब बोलने के लिए कुछ अल्फाज ही नहीं रहे माशाल्लाह सब कुछ आप सब ने कह ही दिया और सब कुछ हो ही गया माशाल्लाह हमारे जो हैं दोनों साथी हमारे जो ड्रग लाइसेंस इंस्पेक्टर ऑथराइज इन सब ने हमारा बहुत साथ दिया है और इंशाल्लाह आगे भी हमें उम्मीद है कि हमारे साथ देंगे और हम भी इनका साथ क्योंकि हम भी एक दूसरे के साथी की ज़रूरत है कोई कमी है या उसकी इसलाह के लिए या अपनी बातों के लिए उसके लिए The event was started with the felicitating of Dr. Mohammad Khalid with the memento. मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा ऑर्गेनाइजर्स को मैं अभी प्रोग्राम के शीट में देख रहा था टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस 27 थे और मैं देख रहा था अगर सपोर्टिंग स्टाफ को काउंट कर दें तो टोटल 27 लोग हैं इस वक्त तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि प्रोग्राम आप एक टारगेट फिक्स करें और 100% अटेंडेंस हो वो भी दिल्ली में जो कि बारिश का मौका है वर्किंग आवर है तो सबसे पहले इसके लिए एक अच्छे प्रोग्राम को इनेकाद करने के लिए चूँकि ये इस सेशन को अगर साइड करें तो दो तीन सेशंस आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आज जो मैं देख रहा था ख़ास तौर से जो अगराज व मकासद में आपने ज़िक्र किया जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और क्वालिटी कंट्रोल की बात हो रही थी तो काफ़ी अहम चीज़ें हैं ये बज़ाहिर देखने में ये दो चार वर्ड्स दिखते हैं जो हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं इस इंडस्ट्री से जुड़ने की वजह से लेकिन इन पे अगर फ्रिक्वेंटली हम लोग गौर करें तो नई नई चीज़ें सामने आती रहती हैं और उसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ना कि खालिद भाई या हम लोगों को इस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं जब ये शुरू में बात हुई थी मेरी किसी कंपनी से जब मैं आया ही था कि साहब आप लोगों की क्यों नहीं कोई एसोसिएशन क्यों नहीं है मैंने ये आते ही शायद किसी कंपनी वाले से क्वेश्चन किया था जैसे आज उस वक्त जमामा थी सब लोग थे आयुर्वेदिक के ये लेकिन यूनानी का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ से आप लोगों की बात उठाई जा सके Here's what Dr. Mohammad Khalid has to say. UDMA Delhi में यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की एक एसोसिएशन है और इन लोगों ने चूँकि फर्स्ट टाइम दिल्ली हुकूमत ने दिल्ली गवर्नमेंट ने यूनानी के लिए अलग लाइसेंसिंग अथॉरिटी एक सेपरेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी का अपॉइंट किया है तो उसके फेलिसिटेशन के लिए प्रोग्राम रखा था प्लस जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनके लिए रिसेंट अपडेट्स क्या हैं रिसेंट कोई नोटिफिकेशन क्या हैं यूनानी एंड आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तो उसके अपडेट्स के लिए मीटिंग रखी थी एक बहुत अच्छी चीज़ है अच्छा पहल है Here's what the delegates had to say. यहाँ पर UDMA की मीटिंग यानी यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की एक मीटिंग थी जिसमें हम लोग आपस में इंटरेक्ट करा
जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन वालों से मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी उनको प्रॉब्लम्स थी या लॉ के रिलेटेड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रिलेटेड जो भी उनको प्रॉब्लम थी जो अमेंडमेंट्स थे जो नोटिफिकेशन थे वो यहाँ पर बताए गए और मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन से इंटरेक्शन के साथ हमें भी उनकी प्रॉब्लम्स कुछ पता चली और हमने भी कुछ उनकी बताई और बहुत अच्छा हो रहा कि पहली बार ऐसा कुछ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की तरफ से ये इनिशिएशन लिया गया है लोगों की तरफ से और हम लोगों ने आपस में काफ़ी इंटरेक्शन किया और आपस में काफ़ी नॉलेज एक्सचेंज की. वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ मीटिंग अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड वी आर ऑल्सो फैसिलिटेटेड डॉक्टर मोहम्मद खालिद who has recently been appointed as the Licensing Authority UNANI in the government of NCT Delhi. The main purpose of UDMA is to propagate and develop the UNANI system in India and the world. Thank you. UDMA aaj yahan pe program tha jisme yahan ke jo additional licensing authority jo abhi appointment hua hai unka to unko facilitate ka ek program tha to usme UDMA ne UDMA ke members ne sabko unko facilitate kiya hai. और ये एक उडमा के मेंबर्स और दिल्ली में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए एक अच्छी शुरुआत है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है. Here's what the visitors had to say. This program was very much successful and UDMA has been registered this year 2016. This is for the welfare of UNANI Drugs Manufacturer Associations and this organization has been started since this year and this organization is working for the welfare of the manufacturers association. ये उडमा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे यूनानी कंपनीज एक साथ हैं और ये एक पहला मौका है कि सब लोग एक साथ होकर के यूनानी के ऊपर काम कर रहे हैं और हम जो हमारा न्यू लाइसेंसिंग यूनानी अथॉरिटी डॉक्टर खालिद साहब को हम मुबारकबाद देना चाहेंगे. उनको हमने मुबारकबाद के लिए यहाँ पर हम सब लोग जमा हुए हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर दानिश साहब को भी मुबारकबाद देंगे क्योंकि यूनानी के ऊपर उन लोगों ने जो काम किया है दिल्ली के अंदर मैन्युफैक्चरर्स को मोटिवेट किया कि वो लोग GMP फॉलो करें और जो टफ से टफ गाइडलाइंस हैं उन्होंने सब लोगों के लिए ईजी किया ताकि उसको वो समझ पाएँ और बेहतर से उसको कर पाएँ. The agenda of the event was to promote Unani industry in India as well as in the world. The wind up of the event was to plan to make best efforts to promote Unani globally.